नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिमन बब्बर और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जम्मू कश्मीर के क्या हाल चल रहे हैं इस कोविड-19 के चलते। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में वैसे भी बहुत ज्यादा हमले, कर्फ्यूज और ये सब तो लगते ही रहते थे, बट जब इस बार लॉकडाउन लगा है तो उनके बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो गई है। जी हाँ दोस्तों, उनके बच्चों को अभी भी पढ़ाई करने पड़ रही है, करने मिल रही है, और जैसे कि वो लोग पढ़ पा रहे हैं तो सारे के सारे बच्चे अपनी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा उनके शुक्रगुजार हैं अपनी गवर्नमेंट के कि उन्होंने उन्हें ऐसा मौका दिया है, इतना प्लेटफॉर्म दिया है पढ़ने का कि उनकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो एंड उनकी पढ़ाई चलती रहे, वो नए नए चीजें सीखते रहे। तो ऐसे में ही जम्मू कश्मीर में बच्चों ने पढ़ाई करी है रेडियोज के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, उनके जो टीचर्स हैं वो रेडियोज पे आके उनको लेक्चर देते हैं एंड सारे बच्चे अपने घर पे बैठ के रेडियो सुन के अपने टीचर्स के लेक्चर्स लेके पढ़ सकते हैं। उनके टीचर्स रेडियो स्टेशन पे जाते हैं, उन्हें एक प्रॉपर टाइम दिया गया है उनके बच्चों को कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका लेक्चर होगा, आपकी क्लास चलेगी, एंड वो सारे बच्चे उस टाइम पे उस चैनल पे अपना रेडियो ट्यून कर देते हैं एंड देन दे कैन स्टडी। हाउ एसेंशियल इज दैट, कितनी अच्छी बात है ये। गवर्नमेंट ने आप रेडियो पे पढ़ाना शुरू किया तो आपको कैसा लग रहा? सबसे पहले तो आपका नाम ऋषिका कोल। ऋषिका जी, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम रेडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत मज़ा भी आ रहा है और हमारे स्कूल्स वगैरह सारे बंद हैं, हम ट्यूशन भी नहीं जा पाते, इसीलिए हमें इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो कैसा लग रहा है, मतलब कौन 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 से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं रेडियो? हमें तो अभी आज तो हमें मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं, तो अभी मैथ्स पढ़ाया जाएगा या सिर्फ आज के दिन ही पढ़ाया जाएगा? नहीं, डेली पढ़ाया जाएगा। डेली पढ़ाया जाएगा। कैसा लग रहा है आपको, मतलब जैसे स्कूल भी बंद है, ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे आप, तो कैसा फील कर रहे हैं? अब थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं कि हम थोड़ा पढ़ पाते हैं रेडियो के थ्रू। सो गवर्नमेंट ने रेडियो पे पढ़ाना शुरू किया तो आपको कैसा लगा, किस तरह का बच्चे पढ़ रहे हैं आप? ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, खासकर इस वाले जो दौर चल रहा है इस वक्त, कोविड-19 का जो है ये इस वक्त वबा जो फैली है, तो घरों में ही बैठने के लिए बोला गया, आगे पीछे जाने के, घर से बाहर जाने के लिए नहीं है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है ताकि हम ये रेडियो से के माध्यम से बच्चे अगर पढ़े एक घंटा दो घंटा, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को ऐसे लग रहा है कि दिल्ली के स्कूल्स में, मुंबई के स्कूल्स में भी सेम एक्शंस उठाने चाहिए थे ऐसे ही, कि अगर बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी पढ़ाई क्यों सफर करे, अगर लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर एजुकेशन क्यों सफर करे, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि सेशंस थोड़े से डिले हो जाएंगे, सेशंस थोड़े पीछे पीछे खिंच जाएंगे, गर्मी की छुट्टी तो मिलेगी ही नहीं बच्चों को, तो ऐसे में वो कितना ज्यादा लैक कर जाएंगे अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन को लेके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है ताकि उनके बच्चे उस सेम टाइम पे एजुकेटेड भी रह पाएं एंड पढ़ भी पाएं अच्छे से, एंड ये रेडियोस चला के बच्चों में एक अलग ही खुशी देखने को मिली है, क्योंकि बच्चों ने इतनी खुशी से पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग, एंड एक न्यू एक्साइटमेंट देखने को मिला है हमें बच्चों के साइड से, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर ऐसे ही पहले हो जाता तो हम लोग कभी भी इतना लैग बिहाइंड नहीं करते अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में,
जी हाँ दोस्तों, वो बच्चे बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं अपनी गवर्नमेंट के, और उतने ही ज्यादा हम लोग भी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखा है, इतना ख्याल रखा है। जी हाँ, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और देखते रहिए हमारा चैनल देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।